तो ये देखे गाइस, ये है गोली और गोली को जो है मैं इसमें लोड कर लेती हूँ। इसको हम ऐसे ऊपर करेंगे, उसके बाद पीछे करेंगे, उसके बाद गोली को जो है यहाँ डाल देते हैं, ये देखिए। उसके बाद इसको जो है थोड़ा जोर लगा के नीचे कर देंगे इस तरह से, और ऊपर से जो है हम सेफ्टी बटन ऐसे दबा देंगे। उसके कहीं गलती से हाथ लग गया तो फिर फायर हो जाएगी, अगर सेफ्टी बटन होगा तो फिर फायर नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद हम अपना टारगेट को लेंगे आगे, देखेंगे। तब तक जो है हम यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, तो ये मेरे पास लाइसेंसी गन है और ये 30.06 राइफल है। तो ये करीब अभी 2 लाख करीब की मिल रही, और अभी मैं टोटल इसकी कॉस्ट बताऊं आप लोगों को, तो ये मैंने 1.20 में खरीदी थी और 2016 में मैंने ये गन खरीदी थी। तो ये मेरी लाइसेंसी गन है, और अभी जो इसमें टेलीस्कोप लगा है एलिमेंट का हिलेक्स, ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, ये करीब 60,000 का है, 60,000 रुपये का है। और इसकी मॉडिफिकेशन में भी मैंने 40-50 हज़ार रुपया खर्च किया है। टोटल ओवरऑल जो इसकी अभी कॉस्ट है वो करीब 3 लाख करीब पड़ती है। तो ये गन से आप लोगों ने मेरे को बहुत दूर दूर तक लॉन्ग रेंज शूटिंग करते हुए देखा होगा। तो बाकी जो ये हिलेक्स स्कोप है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे ये मेड इन चाइना है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। अभी तक जो भी मैंने टेलीस्कोप चलाया उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेलीस्कोप है। बाकी आप लोगों को मैंने आपके फरमाइश पे वीडियो बनेगा करके बताया था पिछले वीडियो में, और एक चीज़ मैं जरूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ऑर्डर किया है साइट पे, वो लोग थोड़ा सा तसली रखें। मैं जैसे ही चंडीगढ़ आऊँगा 1-2 दिन में, तो उनका ऑर्डर उनको भेज दूंगा। मैं कोई फ्रॉड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बस थोड़ा परेशान न करें। यहाँ पर नेट नहीं चलता है और ये बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत ठंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 महीने के लिए मैं मजे करने और अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आया हूँ। आप लोगों को कोई चीज़ सस्ते में मिले और अच्छी चीज़ मिले करके मैंने ये अपना ऑनलाइन साइट खोला था, वो कुछ कारणों से बंद हो चुका है, तो आते ही मैं उसको ऑन कर दूंगा। तो दोस्तों, आज ये खास वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। मेरे को तो बहुत आपने इसको चलाते हुए देखा है। आज मैं इस गन को कद्दू में तीर मारने जैसा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैंने कद्दू रखा है, इस कद्दू के बीच में आप लोग देख रहे हैं तो 1 रुपये का सिक्का लगा दिया है। इसको करीब 50 मीटर दूर रखेंगे, और तो आप लोग सोच रहे होंगे 50 मीटर ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मैं नहीं चलाने वाला हूँ, आज मेरी वाइफ चलाने वाली है इस गन को, और 50 मीटर पर शूट करने वाली है। तो वो भी मेरे वीडियो को देख के या मेरे चैनल को देख के, यूट्यूब चैनल खोला है बच्चों की, ऐसी वीडियो छोटे मोटे डालती रहती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल धरती से जुड़े लोग हैं हम, तो सारा कुछ ऊपर से नीचे तक का आप देख सकते हैं। बाकी तो आप लोग सोचते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसे पूछते रहते हैं मेरे को, तो सारा कुछ वहाँ पर क्या पता आप लोगों को धीरे धीरे पता ही चल जाएगा कि क्या करते हैं हम। ये गाय भैंस पालते हैं हम, और यहाँ से ऊपर से नीचे तक हमारे यहाँ खेत हैं, अभी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। तो वैसे ये हमारे पास लाइसेंसी गन है, तो मैं घर में हर किसी को ट्रेनिंग देते रहता हूँ। ये इससे पहले तो चलाया नहीं है मेरे वाइफ ने, पहले एक 12 बोर का चलाया था, जो आप लोगों को वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और इसमें जो हम अम्यूनेशन चलाने वाले हैं, ये है PPU का 170 ग्रेन। तो ज़्यादा अम्यूनेशन नहीं है, अभी अम्यूनेशन की भी बहुत शॉर्टेज है। पहले तो मैं बहुत फायर करता था, बहुत चीज़ दिखाता था आप लोगों को, अब बहुत सारे लोग हो गए यूट्यूब में वीडियो डालने वाले, तो मैंने अपना खुद ही कम कर दिया है। जो खास खास वीडियो होगी तो मैं आप लोगों के लिए लेते आऊँगा। तो टारगेट हम 50 मीटर पर लगाएंगे, यहीं से इसी फ़ोन कैमरे से हम शूट करने वाले हैं। ज़्यादा कैमरे कुमरे भी हम नहीं लेके आए हैं, तो वहाँ तक आपको दिखेगा। तो इसमें अगर बीच में कद्दू में तो कोई भी तीर मार लेता, अगर बीच में सिक्के में लगता है तभी बात बनेगी। तो एयरगन से तो मैंने बहुत शूटिंग कराई है, सबको परिवार में सबको आता है एयरगन चलाना, तो सबको शूटर बनाया हुआ है। तो ये पहली बार चला रही, तो देखते हैं इसका रिकॉयल कितना है और ये रिकॉयल ये सह पाती कि नहीं। और गनों के हिसाब से इस गन का रिकॉयल बहुत कम है, जो मेरी गन है बहुत स्मूथ है, इसका रिकॉयल पैड भी बिल्कुल रबड़ का है, और ये देखिए दबता है ये, तो ज़्यादा इसमें रिकॉल नहीं आता है। तो देखते हैं चला पाती कि नहीं। दो कैमरा यहीं पे लगाएंगे, क्योंकि टारगेट पे तो हम बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। जो नज़दीक का रिकॉयल है और चलाने का ढंग है और इसको लोड करने का ढंग है, वो सारा कुछ कैसा रहता है, ये आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों, शूटर तैयार है शूट करने के लिए, और जो हमारा टारगेट लगा है, ये देखिए नीचे को खेत हमारे हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को टारगेट दिखाता हूँ। वहाँ पे ये देखिए केले के पत्ते के नीचे ये जो गोल सा आप लोगों को दिख रहा है, ये टारगेट है। हम कुछ इस तरीके से शूट करेंगे पीछे खड़ा होके, तो इस तरीके से आपको टारगेट भी दिखाई देगा और शूटर भी दिखाई देगा आपको। कुछ इस तरीके से हम शूट करेंगे पीछे से,
तो देखते हैं शूट हो पाता है कि नहीं हो पाता। सबसे पहले ये गन का वजन बहुत ज़्यादा है तो ये हैंड में नहीं ले पा रही, क्योंकि ये 5 किलो करीब का ये गन है अपना, तो ये इसको तोल नहीं पा रही। तो इसके लिए सबसे पहले सपोर्ट देते हैं गन के ऊपर, तभी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे हैंड में से मुझे नहीं लगता ये चला पाएगी और पीछे गिर भी जाएगी, पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो देखते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्टैंड लगा देते हैं, कैमरा स्टैंड नीचे लगा देते हैं गन के आगे। तो कोशिश तो पूरी की है चलाने की और ऐसे खड़े खड़े मारने की, पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है, 5 किलो वजन है इसका, तो नहीं तोल पा रही। तो देखते हैं, तो दोस्तों शूटर तैयार है, ये कैमरा स्टैंड लगा रखा है और मैं पीछे से वीडियो बनाऊंगा और मैं पीछे से देखूंगा। सेफ्टी बटन मैं ऑन कर देता हूँ, टिगर ला हाथ में जब कॉली बहुत ला। तो देखते हैं तो क्या बनता है। मैं थोड़ा पीछे हूँ और गन थोड़ा जोर से पकड़ना पड़ेगा, तो मैं पीछे से वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए, तो अब मेरा रेडी है कैमरा, बाकी शूटर की शमाई फायर करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहली बार जो भी है इससे अपना खोपड़ा फोड़ता कोई भी लोग, तो नहीं फोड़ा है, बाकी टारगेट पे लगा कि नहीं अभी देखते हैं। नजदीक जाके मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अगर सिक्के पे लगा होता तो उसके चीथड़े उड़ जाते। तो टारगेट पे नजदीक जाके दिखाते हैं आप लोगों को उस पर लगा कि नहीं लगा, बाकी दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हम टारगेट की ओर जा रहे हैं, टारगेट में कहाँ पे लगा आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा सा दौड़ के जा रहा हूँ मैं, टारगेट हमारा ज्यादा दूर नहीं था, 50 मीटर पर हमने कद्दू रखा था। अगर कद्दू बर्बाद नहीं हुआ तो शाम को सब्जी बनेगी कद्दू की। सिक्का रखा था बीच में, अगर सिक्के को हिट हुआ होगा तो छेद जरूर हुआ होगा। अरे बाप रे, जबरदस्त शॉट, ये देखिए सिक्का ही अंदर घुस गया इसमें। ये देखिए, ये शॉट मैंने नहीं चलाया, ये मेरे वाइफ ने चलाया। और ये देखिए पीछे से, अरे बाप रे, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सिक्का मिले, अगर सिक्के के बीचों बीच लगा होगा तो मजा ही आ जाएगा। ये देखिए कद्दू का, ये देखिए कद्दू का ये हाल है। ये 50 मीटर पे था वहां से, ये देखिए वो घर पे वहां पे है, और वहां से ये इसमें होल तो हो गया, कद्दू के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी तोड़ के देखूंगा मैं, पहले किसी को कैमरा पकड़ने के लिए बोलता हूँ और यहाँ पे सिक्का ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि इस पे सिक्का नहीं है। मैंने टेप तो लगाया था और इसकी पीछे की जड़ भी उखड़ गई, तो क्या पता सिक्का सही जगह लगा हो। तो ये देखिए दोस्तों, सिक्का भी मिल गया है, और ये मेरे को उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी मेरे को, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 50 मीटर पर जरूर था टारगेट हमारा, पर ये पहला शॉट मैंने नहीं चलाया, कोई फेक वीडियो भी नहीं है। पर ये देखिए सिक्के के ये हाल हो गया, सिक्के में होल कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं किस तरीके से जीरो करता हूँ अब गन, अपनी गन को, और किस तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ। थोड़ा रिव्यू लेता हूँ, तो वैसे तो दोस्तों इसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को, और मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इसमें। तो वैसे मैंने ट्रेनिंग बहुत दी है पहले, यरगन से तो बहुत ऐसे शॉट मारती थी, तो आज तो कमाल ही कर दिया। तो थोड़ा रिव्यू लेते हैं क्या बोलती है, आप भी सुनेंगे, क्योंकि डर रही थी गन चलाने में, तो बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं ये गन चला के कैसा लगा, क्योंकि ये होल कर दिया है। वैसे डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था, गन मेरी बिल्कुल जीरो है, तो फिर भी पहली बार चलाने में, और वो भी लेडीज, तो क्या क्या कहती है, थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस पे बीच में मार पाऊंगी, मेरा टारगेट वहां पे होगा। टारगेट तो लगाया था पर बीच में ही छेद हो जाएगा, मुझे पता नहीं था, पर बहुत ही हाथ कांप रहा था मेरा, बहुत ही डर लग रही थी, क्योंकि पहले जब फायर करते तो बहुत डर लगती है, पर मैंने इससे नहीं किया था, मैंने जो है एयरगन से कर रखा था पहले। एयरगन से मैं अच्छा मार लेती थी, निशाना अच्छा लगता था एयरगन से, कभी माचिस की तिल्ली पे, वो डिब्बे पे, कभी किसी चीज पे मैं ऐसे करती रहती थी प्रैक्टिस, तो उसमें तो अच्छा रहता था, पर इस पे भी अच्छा रहेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि ये बीच में पहले फायर में ये बीच में हो गया, तो इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हाँ मेरा भी टारगेट है, तो मुझे निशाना है, निशाना है, तो गाइस मेरा भी अच्छा निशाना है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
तो मैं सोच रही हूँ बड़ी मुश्किल से 15 मिनट में ये गोली चलाई डर डर के कि कितना झटका लगेगा कितना झटका लगेगा। डर बहुत लग रहा था। निशाना अच्छा लगाया है, डर के लगाया पर निशाना। और कैमरा का स्टैंड था, स्टैंड में रख के खड़े खड़े ही मारा था, वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। और मेरे को भी इतना उम्मीद नहीं था कि इस पर लग जाएगा, ये जरूर था कि कद्दू में तीर जरूर लग जाएगा, पर ये उम्मीद नहीं था कि इस पर लग जाएगा। तो ये बहुत दिन से बोल रही थी, खाली ऐसे बच्चों का एक अपना ब्लॉग चैनल बनाया है तो उसमें मेरे को डालना है, मेरे व्यू नहीं आ रहे, व्यू नहीं आ रहे। तो ये वीडियो मैं अपने उसमें भी डालूंगा और ये अपने उसमें भी डालेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसके यूट्यूब चैनल का, तो इसकी भी तसल्ली पूरी हो जाएगी। एक बार वहां पे जाके भी देखना और बाकी ये। हाँ गाइस, मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो राखी टाकली व्लॉग्स करके है, तो मेरे चैनल को भी आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे मेरे हस्बैंड को दिया है आपने, सपोर्ट किया है, प्यार देते हो, इसी मुझे भी दीजिएगा। तो देखिए बाकी ये गन कैसे पकड़ा है, ये गन के वो जितना गन का वजन है उतना इसका खुद का नहीं है, तो ये गन का ज्यादा वजन है, तो ये गन को पकड़ ही नहीं पा रही, इसको इसका वेट नहीं झेल पा रही। हाँ, तो वही हो रहा था कि इसका वेट बहुत ज्यादा था, पर एक बार मैंने बहुत ही डर लग रहा था मुझे फायर करने में। तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने टेपिंग कर रखी है, गन का वजन तो 5 किलो करीब है, मैंने तोल रखा है इसको। तो ये टेपिंग इसलिए कर रखी, ये धूप में रखा मैंने तो फट गया था, मैं बाद में इसका नया बट बना लूंगा, फिलहाल इसी से काम चला रहा हूँ। ये देख रहे हैं नीचे को, ये सारे खेत मेरे हैं नीचे तक, जहां तक आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ भी है, जिस तरफ मैंने सेब के गार्डन, सेब के बगीचे लगा दिए। और इस तरफ देखेंगे तो ये देखिए गाय भैंस है, वो गाय दूध देती है, और ये भैंस का पिछले साल का बछड़ा है, और वो पीछे भैंस है जो अभी बच्चा देगी, और बकरी है 40-50 बकरी है जो अभी जंगल चरने को गई है। तो ये देखिए बाकी यहाँ का, और जो पीछे पहाड़ देख रहे हो वो 1 किलोमीटर पर दूर है। मैंने ऐसे वीडियो बहुत बनाए थे आप लोगों के लिए पहले, शूटिंग वाले, पहली बार ये कुछ नया ट्राई किया। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।